तो एलकेजी के बच्चों को भी आज क्या जानना है, एफ के बारे में जानना है। आइए, ट्रेस द स्मॉल लेटर एफ, और इन्हें भी स्मॉल एफ के बारे में ही जानना है। तो अभी नर्सरी के बच्चों की डिवीजन हो जाएगी एंड एलकेजी के बच्चे एफ सीख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों की बुक में कैसे होंगे, ये जो एफ यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऐसे डॉट्स के थ्रू, फिर वैसे ही करना है, सभी डॉट्स पे क्या करना है हमें ऐसे करके पेंसिल घुमानी है, ठीक है। पेंसिल को ऐसे ट्रेस करेंगे हम तो कंप्लीट एफ बन जाएगा। एफ फॉर फिश, फिश मींस मछली। एफ फॉर फैन भी होता है, फैन मींस पंखा। चलिए अब क्या दिया हुआ है, सर्कल द स्मॉल लेटर ई एंड एफ, इसमें भी ई एंड एफ को ही ढूंढना है क्योंकि अभी हम एफ के बारे में जान रहे हैं, इसलिए आपके बुक में ये दिया हुआ रहता है, बुक में से ही बनाया गया है स्पेस पे, तो ई एंड एफ के को ढूंढना है और ये रेक्टेंगल में ढूंढना, देख रहे हैं ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। देखिए तो बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसे ढूंढना है, ई एंड एफ को, और ढूंढ के उसपे सर्कल करना है। ये देखिए हमें मिल गया ई और एफ। तो ये क्या हुआ, अगर ऐसा कोई शेप आप लोग देखेंगे तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और जो गोला करते हैं हम वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो जान गए आप लोग, और साथ साथ में सर्कल और रेक्टेंगल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। चलिए अब हम हिंदी पढ़ेंगे, और हिंदी में क्या जानना है बच्चों, हिंदी में आप च छ के बारे में आप जान चुके हैं, पिछले क्लास में क्या जाने थे, छ के बारे में जाने थे ना आप लोग, झ अक्षर के बारे में। अभी आप लोग क्या जानोगे, झ अक्षर के बारे में, सॉरी पिछले क्लास में। तो बच्चों अभी हम क्या जान रहे थे, झ के बारे में, ठीक है। तो झ कैसे लिखेंगे, ये डॉट, ये तो मैं लिखी हूँ, और ये डॉट्स वाले झ है ना, उसपे पेंसिल चलाना है आप लोगों को ऐसे, देख रहे, इसे मैं ट्रेस कर दी हूँ, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट झ। झ से तो बच्चों अभी हम क्या जान रहे हैं, झ से झंडा के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, राइट वन पेज, तो आप लोग झ से झंडा ऐसे ही वन पेज में लिखना, ठीक है। और आपके बुक में जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को पेंसिल भी चलाना है। अब क्या दिया हुआ है, आयत में व्यंजन वर्ण ज झ में गोला लगाएं। ये जो दिया हुआ है ना रेक्टेंगल, उसे इंग्लिश में हम रेक्टेंगल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसे आयत बोलते हैं। तो आयत में जितने भी अक्षर दिए हुए हैं उनमें से ज और झ अक्षर को ढूंढ के गोला लगाना है, ताकि क्योंकि अभी हम झ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज और झ को गोला लगाना है। ये देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ, इसमें बहुत सारे ज और झ भी दिए हुए हैं, और बहुत सारे और भी अक्षर हैं। तो बच्चों इनमें से हमें किसे ढूंढना है, ज और झ को, तो हम झ, देखिए यहाँ पे ये झ मिल गया और यहाँ पे ज मिल गया, तो ज कैसे लिखाता है, ये ज हो गया, और झ कैसे लिखाता है, ये झ हो गया, इसमें हमें क्या करना था, गोला लगाना था। तो बच्चों आज हिंदी में इतना ही, चलिए अब मैं आप लोगों को मैथ्स बताती हूँ, और आप लोग जो अपने बुक में है ना दिया हुआ उसे अच्छे से रीड कर करके, और ऐसे ही जितने
सेम मैं आंसर बताई हूँ, सभी अक्षरों को लिखना है। आइए अब क्या है मैथ्स में, ट्रेस द नंबर टू। नंबर टू के बारे में डिवीजन हो रही है अभी आपकी। चलिए तो आपके बुक में तो ऐसे टू होगा ना, ऐसे होगा टू, उस पे ट्रेस करना है। ये देखिए ऐसे ट्रेस करेंगे हम, तो बहुत सारे टू लिखना है, बहुत सारे टू, वन पेज में जितने भी टू होंगे सभी टू लिखना है, ताकि आप लोगों को टू की रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो टू जान क्या है, कैसे लिखना है। सर्कल द नंबर टू एंड थ्री इन रेक्टेंगल। फिर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें टू और थ्री को सर्कल करना है। चलिए तो हम टू एंड थ्री को सर्कल करते हैं। ये देखिए तो जान गए कि कैसे सर्कल करना है, ऐसा आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो एलकेजी क्लास, योर क्लास इज ओवर। अब मैं यूकेजी को पढ़ाने जा रही हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो बैठ के देख सकते हो। यूकेजी क्लास के बच्चे कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं। आइए अभी यूकेजी पढ़ाती हूँ। ट्रेस द कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एन, मतलब अभी आप लोगों को कैपिटल एंड स्मॉल एन दोनों के बारे में जानना है। आगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखिए ये कैपिटल एन हो गया, और आपके बुक में ये देखिए डॉट्स के थ्रू एन लिखे हुए हैं जो लेटर्स है, तो इस पे आप लोगों को पेंसिल चलाना है। जैसे जैसे ये एन है ना, वैसे वैसे उस पे पेंसिल चलानी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले क्या था इनकम्प्लीट था, और इस पे पेंसिल चला के अब ये क्या हो गया, कंप्लीट एन बन गया। तो ये तो कैपिटल है, ये कौन सा है, कैपिटल एन है। अब मैं स्मॉल एन बनाती हूँ। फिर आपके बुक में जो स्मॉल एन है ना बच्चों, वो ऐसे दिया हुआ है, फिर आप लोगों को जैसे जैसे एन है वैसे वैसे इस पे पेंसिल चलाना है, देख रहे हैं आप लोग, तो ये कंप्लीट एन हो जाएगा। राइट वन पेज, वन पेज में आपको एन की प्रैक्टिस करनी है। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। चलिए अब मैं आपको हिंदी बताती हूँ, अभी हम हिंदी पढ़ेंगे, एन के बारे में आप लोग घर पे अच्छे से रिवीजन कर लेना। ओके, चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। ये क्या है, ये कौन सा क्या है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो वो क्या हो जाएगा, फल। ये देखिए ये एक एप्पल की फोटो बनाई हुई है, और ये एक मैंगो की फोटो बनाई हुई है, और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये क्या है, जग है, जग की पिक्चर बनाई हुई है। तो चित्रों को देख के आपको उसका नाम लिखना है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, बर्जेस से बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, मतलब फल, अंगूर, संतरा, सेब, केला, आम, ये सब क्या हुआ, ये सब फल में आता है, तो ये क्या हो गया, फल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फल। ये क्या है, जग है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जग। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को चित्रों को पहचान करके और उसका
नाम लिखना है। ऐसे आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं बस दो बताई हूँ एग्जांपल के लिए, आप लोग बुक में देख करके इसे रिवीजन करोगे, ठीक है। चलिए अब मैथ्स, सर्कल का करेक्ट नंबर देख रहे हैं, बहुत सारे एप्पल बनाया हुआ है यहाँ पे। देख लिया आप लोगों ने, और यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो हमें इस एप्पल को काउंट करना है और काउंट करके जितना भी नंबर आएगा उस वो हमें इसमें से सर्कल करना है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए, और इसमें से 7 पे हम सर्कल कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं एक बताई हूँ, आपके बुक में बहुत सारा है, तो आप लोग अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। एक और मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे देखना है बॉल दिए हुए हैं बहुत सारे, और फिर यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, फिर ये इस बॉल को काउंट करना है और काउंट करके जितना भी आएगा उस नंबर पे गोला लगाना है। फिर कितने बॉल्स है, 1, 2, 3, फिर 3 पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नाउ योर क्लास इज ओवर, आप लोग जा सकते हैं।